गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे। आई होप आप सब ठीक होगे और अपने अपनी लाइफ में मस्त होगे। आज मैं आई हुई हूँ अपने मायके और मम्मी बना रही है अंबारी की खट्टी खट्टी चटनी। और यहाँ आरू बच्चा उसके नानू के साथ चुंगू मुंगू के साथ खेल रहा है और चुंगू मुंगू झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों को एक ही पत्ता खाना है। इसलिए चुंगू ले लेके भाग रहा है हरे वाले पत्ते को और मुंगू उसके पीछे पीछे घूम रहा है, दे दे भाई ऐसे करते हुए। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना झगड़ा, वैसे ये चुंगू मुंगू भी करते हैं। एक ही सामान चाहिए रहता दोनों को। अब कभी मुंगू छुड़ाता है, कभी चुंगू छुड़ाता है भाई पत्ते को। दोनों मिल बांट के तो बहुत मुश्किल से खाते हैं। इन्हें देख के तो मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत सारे 10 बच्चे थे हम लोग भी, मेरे कजिन्स, हम 10 थे। तो ऐसे ही सबको एक ही सामान चाहिए रहता था और एक ही सामान के लिए झगड़ा करते थे। और ये हमारे घर के सामने का व्यू है। आरू उसके नानू के साथ घूमने जा रही है। अगर नानू या मामा कहीं बाहर जाते हैं बाइक से घूमने, तो उसे भी जाना रहता है, पीछे ही लग जाती है जाने के लिए। पापा उससे बोल रहे हैं कि बाय कर दे, तो बाय भी नहीं कर रही है। और नानी के पास चल जा, तो भी नहीं जा रही है। कुछ नहीं करना था, बस जाना पड़ता है इसे। तो बस फाइनली घूमने जा रही है आरू। और यहाँ आरू उसकी खुद की वीडियोस देख रही है, जो मैंने शॉर्ट्स डाले ना आरू के, वो वाले येलो ड्रेस में जो शॉर्ट्स डाले जिसमें वो हंस रही है, उसे देख देख के उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और अब उसका मैंगो वाला वीडियो आया है, तो मैंगो खा रही है उसमें से निकाल के। वीडियोस देखती है तो ऐसे ही करती है, जब हंसने वाला आता है तो हंसती है, खाने वाला आता है तो खाती है, डांस करने वाला आता है तो डांस करती है। और अब हम मम्मी के साथ जा रहे हैं मंदिर पूजा करने, शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। मोहल्ले वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे अभी मूर्ति स्थापित कर दी है, मंदिर नहीं बना है यहाँ पे अभी। तो वैसे ये वाले मोहल्ले में मंदिर नहीं था शिव जी का, तो यहाँ पे स्थापित कर दी है मूर्ति को। और तो हम पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हम आ गए हैं आंगनवाड़ी में। आरू बुक्स और टॉयज देख रही है यहाँ पे। यहाँ पे बेबी भी आई हुई थी वजन और करवाने और हाइट नापने। आंगनवाड़ी में बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स आती है, टॉयज भी बहुत अच्छे आते हैं एकदम, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके, ऐसे टॉयज रहते हैं। और बुक्स भी बहुत ही अच्छी आती है। फिर हम जा रहे हैं अब गाँव। हमारा गांव का मेन रोड यही, मतलब जो मेन रोड से अंदर जाता है ना, वो वाला रोड ये वाला है। तो ये बहुत कच्चा रोड है, मतलब बहुत पहले बना वाला रोड है, जो कि अब पूरी तरीके से ख़राब हो गया है और नया बनना स्टार्ट है अब। आचार संहिता लगने से काम रुक गया था, लेकिन अभी चालू हुआ है काम 2-3 दिन से। और हमारे गांव के रोड में ऐसे बकरियां गाय भैंस रोड से चलती, और जो बाइक वाले रहते हैं उन्हें नीचे उतार के चलाना रहता है। हमारे गांव के रोड में तो ऐसा ही है, बाकी गांव का तो नहीं पता। रोड बनने से सबको ही आने जाने में आसानी हो जाएगी।
घर पहुंच गए और घर पहुंचकर आरू के लिए मैंने बनाया ऑमलेट। ऑमलेट अच्छे से इंजॉय कर रही है आरू। कभी कभार बनाओ तब अच्छे से खाती है, अगर रोज़ वही बनाने लग जाए ना तो खाना ही नहीं, यानी खाती नहीं है फिर सही से। इसलिए रोज़ अलग अलग बनाना होता है बच्चों के लिए, बच्चों के भी बहुत नखरे रहते हैं। फिर हम लोग के लिए भी खाना बनके तैयार हो गया है। सब लोग टीवी देख रहे हैं और आज खिचड़ी और पापड़ बनाया। ठंडी में खिचड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, खिचड़ी और पापड़ का कॉम्बो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज यही बनाया हमारे घर पे। फिर मैंने पढ़ाई की, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर रही है। थैंक यू।